खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी मौजूद हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ है। राजीव त्यागी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा आरोप जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी को बाबर भक्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खिलजी का भी नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जिलानीज और ओवैसीज जो हैं उनकी लीग को ज्वाइन कर लिया है राहुल गांधी ने, कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, मैं खरपतवारों का और जो ऐसी फसल में खरपतवार उगाती है ना, तो उन खरपतवारों पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, उनको पेस्टिसाइड से ख़त्म कर देता हूँ। तो जीवीएल मेरी राय में खरपतवार हैं, तो उन खरपतवारों पे तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जरूर टिप्पणी करूँगा। श्री राम के मंदिर को निर्माण को लेकर के मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से एक बात कहना चाहूँगा कि 1992 में जब आपने आंदोलन शुरू किया था, तो उस वक्त आपने पहले पेज पे अपने मैनिफेस्टो के श्री राम मंदिर निर्माण को रखा था और 2014 में आते आते वो 32वें पेज पे चला गया वो मुद्दा। और आपने इन 90 से लेकर के अभी तक हर चुनाव में वोट लेने का काम श्री राम के मंदिर पर लिया। मैं ये पूछना चाहूँगा, श्री राम ने तो मर्यादा में रहते हुए और अपना वचन निभाते हुए अपने पिता की वजह से वनवास पे चले गए, लेकिन श्री राम के नाम लेकर के आप तो सत्ता में आ गए, राम को वनवास पे भेजने का काम आपने किया, उस प्रश्न का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता दे। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि विगत 3.5 साल में क्या एक भी ईंट वहां रखी गई है? हाँ। एक भी ईंट कहीं निर्माण के लिए रखी गई है? मुझे लगता है मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, राजीव जी, जिन्हें आप खर पतवार बता रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक कई सवाल आपने दागे मेरे साथ। संबित, देर किस बात की? संबित, जवाब दीजिए, ये गुजरात में विकास करते करते खिलजी, जिलानी, ओवैसी सब कूद गए और बाबर भक्त बता दिया आपने? राजीव तो कह रहे हैं मैं जवाब ही नहीं दूंगा इस बात का। देखिए, कान खोल के सुन ले कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की पार्टी के लोग, और राहुल गांधी अगर कहीं सुन रहे हैं तो जीवन भर वो अगर बिल्कुल अडिग होके खड़े हो जाए कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, मगर राम मंदिर वहीं बनेगा जहां विवादित ढांचा था। इनके जीवन काल में राम मंदिर वहीं बनेगा, चाहे ये कितनी भी घोड़े खोल दे और राम मंदिर को रोकने कब बनेगा? संबित, यही तो कांग्रेस कह रही है, कब बनेगा? मैनिफेस्टो में हर बार आ जाता है। अरे नेहा जी, ये कांग्रेस कौन है कहने वाली? सोनिया जी के कहने पर एफिडेविट दिया गया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। इनकी हिम्मत है कि राम के बारे में ये हमसे पूछे? राजीव त्यागी जी, इनकी हिम्मत से आप ये सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं जो राम को काल्पनिक बता दे, वो राम मंदिर पर क्या सवाल उठा रहे हैं? ये पूछ रहे हैं सब। इनकी इतनी हिम्मत की राम के बारे में बात करे ये टोपी पहनने वाले? देखिए संबित, जो सवाल पूछा संबित जी ने, जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। संबित जी सुन लीजिए प्लीज, संबित जी भी बौखलाए हुए हैं, जबकि संबित जी बड़ा कूल रहते हैं डिबेट्स में, लेकिन बौखला गए हैं बेचारे मेरे प्रश्नों से। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने कहा एफिडेविट दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एफिडेविट तैयार हुआ था। सुन लीजिए संबित जी बीच में मत बोलिए, आपका तर्क नहीं है इसलिए बीच में बोलकर के बहस को डिले मत करिए। सुन लीजिए संबित जी, आप तुगलक की औलाद हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग तुगलक की औलाद है, मोदी जी तुगलक ही फैसले करते हैं और तुगलक की औलादों को जवाब देना कहीं कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि आपने पूरे देश की इकोनॉमी खत्म कर दी, आपने श्री राम से झूठ बोलने का काम किया, और आपकी सरकार ने संबित पात्रा 2017 मार्च में पार्लियामेंट में यह कहने का काम किया, प्रभात झा जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनके प्रश्न के जवाब में यह कहा संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी ने कि सीता का कोई अस्तित्व नहीं है, सीता को हम मानते ही नहीं है और सीता का सीतामढ़ी में कोई अस्तित्व नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई प्रूफ नहीं है। तो यह सरकार ने सीता के अस्तित्व को नकारने का काम किया है, श्री राम के नाम पर वोट लेने का काम किया है। वेदांति जी को भूल गए? जो वेदांति जी श्री राम मंदिर न्यास से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है, वोट लेना चाहती है, उसको सुलझाना नहीं चाहती। उस पे क्या कहेंगे? कोई कहता है राम काल्पनिक है, कोई कह रहा है सीता कभी हुआ नहीं करती थी। अब अगर बीजेपी कांग्रेस इसी तरह से करते रहेंगे तो राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे? राम जी के नाम पर वोट की सियासत हो रही है तो राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे अगर हर बात वो वोट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? हमारे साथ एक और खास मेहमान मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब भी जुड़ गए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राम जी एक बार फिर से उन्होंने एंट्री कर ली है अपनी गुजरात के चुनावों में और अब तो परिदृश्य बहुत बड़ा हो गया है। जीवीएल का आपने ट्वीट देखा, उन्होंने बाबर नेहा जी मैं क्या आपत्ति करता हूं, राम जी ने एंट्री कर ली है चुनाव में, ये क्या होता है?
आप कभी ऐसे कहेंगे कि अल्लाह की एंट्री हो गई है? अरे आप हिंदू हैं, आप राम जी के साथ ऐसी मजाक क्यों कर रही हैं कि राम जी की एंट्री हो गई चुनाव में? आप नाराज मत होइए सर, एंट्री हो गई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे बीजेपी से नहीं चाहिए। आप मेरे राम, मेरे राम है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप गुजरात चुनाव का घुमाइए, मेरी डिबेट को आप नहीं घुमा सकते। नहीं सर, आप अपने कीजिए, आपको चुप करनी है, पर ना तो मैं बिल्कुल से सर्टिफिकेट दूंगी और ना ही मैं डिबेट घूमने दूंगी। गुजरात चुनाव बहुत घूमिया सर, बाबर सब पर घूमिया गुजरात का, डिबेट नहीं घूमेगी सर। मौलाना साहब, मैं आपको लाना चाहूंगी, राम जी की सुधा बेड़ा पार करने से है। एक बार फिर से भगवान राम आ गए मैदान पे। मजाक बताइए, एक मिनट पात्रा बताइए, छदम छदम हिंदुत्ववादियों बताइए, तीनों 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 इस्लाम के बताइए। संबित पात्रा, संबित पात्रा तारीख बता दीजिए, चलिए तारीख बता दीजिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें मान्य होगा, कोर्ट जो फैसला करेगा हमें मान्य होगा। और अडवाणी जी कहते थे कि राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, कोर्ट कैसे समझा नहीं सकता। आप अडवाणी जी की बात मानेंगे रविशंकर प्रसाद की? राम पर ऐसा कैसे कह दिया कि राम जी की एंट्री चुनाव में हो गई? बताइए संबित पात्रा, संबित पात्रा, आपने राम को साथ चलने का काम क्यों किया? राम को चलने का काम क्यों किया? श्री राम को हमारे दिल में बैठे संबित पात्रा, हमने कभी राम के नाम पर आप लोग गुजरात चुनाव में जिस को लाना चाहते लाइए, ये हमारा डिबेट है और मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, मेरे भगवान मेरे दिल और मंदिर में निवास करते हैं सर। आप इस्लाम फॉलोअर बताएंगे, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिए सर, मौलाना साहब को बोलने दीजिए। नहीं नहीं सर, हो गया। अरे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे मेरे भगवान के लिए सर, मैं अपने भगवान को जहाँ भी बसाऊं मुझे नहीं चाहिए। बस आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी, बिल्कुल हो गई है सर। अरे वोटों के लिए राम, भगवान राम का इस्तेमाल हो रहा है संबित जी, राम भक्तों को दुख हो रहा है। संबित पात्रा जी, वीएचपी से जाकर पूछिए, उनसे बड़ा राम भक्त कौन है आज की तारीख में? दुख होता है उन्हें कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो राज्य और केंद्र में बैठी है सत्ता में, वो अब कहती है कोर्ट फैसला करेगा। संबित वहां मत जाइए, आज हम कोई और मुद्दे पर बात करें। गुजरात चुनाव की तरह घुमाइए मत सर मेरी डिबेट को। मौलाना साहब, अब मैं इन दोनों का और किस तरह डाउन करना चाहूंगी, आप मुझे बताइए। भगवान राम का बेड़ा पार लगाया, इतने सालों में भगवान राम के मंदिर का दीवार स्वप्न दिखाया गया पर वो बना नहीं। सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत हुई है। एक बार फिर से चुनावों में भगवान राम सामने आए हैं, किसका बेड़ा पार लगाए? नेहा जी, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है कि हम टीवी पर बैठकर भगवान पुरुषोत्तम राम पर डिबेट करते हैं। मुझे बहुत दुख है, क्योंकि जब से कुछ 2014 में तथाकथित हिंदू पैदा हो गए जो राम को, राम का नाम लेकर, राम की खड़ाऊ पर पैर रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे अफसोस होता है दिल में कि मुझे राम पर बात करनी पड़ती है। ये एक कच्चाधारी लोग, सुनिए संबित, सुनिए, थोड़ा भाषा की मर्यादा मौलाना साहब, थोड़ा भाषा की मर्यादा सब रखे। हम बात भगवान राम की कर रहे हैं और हम अपनी डिबेट को संबित बोकलाइए मत, जवाब नहीं है संबित, संबित बोकलाइए मत, एक एक करके संबित बोकलाइए मत। मैंने बोल दिया उन्हें कि मर्यादा का ध्यान रखें, ठीक है? आपने जिस चीज, राजीव जी सब साथ में सर, मौलाना जी को बोलने दीजिए, आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया, मुझे इस पर भी अफसोस है कि जो लोग बचपन से लेकर, जो लोग साइकिल पर चलकर, जिन्होंने अपने जेवर बेचकर, जिन्होंने घर की जमीन बेचकर राम मंदिर के लिए केस लड़ा है, आज वो पर्दे के पीछे है। और जो लोग तथाकथित हिंदू अपने आप को राम का भक्त बताने में जुट गए, वो सामने आ गए। दूसरी बात, अच्छा मुझे जवाब चाहिए मौलाना साहब, देखिए वक्त मेरे पास कम है, राजीव त्यागी जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये बताइए ये विवाद क्यों फिर से सामने आ गया? ये विवाद इसीलिए सामने आया क्योंकि जो दलील कपिल सिब्बल साहब वकील बनके सुन्नी वक्फ बोर्ड के कोर्ट में दे रहे हैं कि मंदिर निर्माण में बीजेपी को फायदा हो सकता है, अगर सुनवाई जल्द हो रही है, ये मुद्दा बैठे बैठाए किसने दिया बीजेपी को? शर्म आती है
जो कि जानता नहीं है कि तारीख क्या है राम के मंदिर के निर्माण की, उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। कोर्ट जल्द सुनवाई कर बीजेपी के जाल में ना फंसे, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है। ये दलील कहां तक सही है? अब इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी सफाई देती है तो आप बैठे बिठाए एक मुद्दे को जन्म दे देते हैं। इस बात को तो कोर्ट ने भी नहीं माना और कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं आप मुझे ऑन रिकॉर्ड भी मत लीजिए। तो बताइए क्यों विवाद इस तरह का? नेहा जी, इस बात पर मैंने अफसोस जताया, मैं उसी बात पर फिर अफसोस जताता हूँ। देखिए, कपिल सिब्बल एक वकील हैं और सिवनी सेंट्रल बोर्ड के वकील हैं, उन्होंने एक दलील दी और इसमें दम है, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप देखिए 2 से 425 तक पहुंचने वाले ये राम मंदिर के नाम पर ही तो पहुंचने वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विकास के नाम पर ये 2014 में आए थे, आज विकास कहीं नहीं दिख रहा है, विकास कहीं नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक, लव जिहाद, राम मंदिर, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, इसी पर वोट दिया है इन्होंने। अगर कोई एक मुद्दा ये बता दें, सुनिए, अगर कोई एक मुद्दा बता दें, कोई मुद्दा इनके पास नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज वो हिंदू जो हिंदू राम मंदिर के लिए खड़ा हुआ था उसको फिर खड़ा होना पड़ेगा, और इनसे 1400 करोड़ जो इन्होंने राम मंदिर के नाम पर लिया था उसका हिसाब लिया जाएगा। और जो ये सियासत करते ही जा रहे हैं, जो बात करते हुए जा रहे हैं, वो तो दोनों पार्टियों की तरफ देखकर ये कह रहे हैं कि आखिर कौन उनके लिए राम मंदिर बनाएगा। सुनिए, दोनों पार्टी को नकारेंगे, दूर होकर हिंदू राम भक्त दोनों पार्टी को नकारेंगे और इनका कच्चा ढीला करेंगे सब लोग। एक मिनट प्लीज, मर्यादा में प्लीज बातचीत जो है वो जरा मर्यादा में हो। हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं और जो मर्यादा की सभी सीमाएं इस डिबेट में पार कर रहे हैं और सर्टिफिकेट देशभक्ति और राम भक्ति के बांट रहे हैं, उनके लिए देश बोले पर ये जो जनता कह रही है पुनीत निषाद, उनकी बात, बीजेपी की हालत गुजरात में खराब है, इसीलिए वो इन फालतू की चीजों को मुद्दा बना रही है। संबित, ये मेरे शब्द नहीं है, पुनीत निषाद के। आप ब्रेक के बाद चाहें तो इनको सर्टिफिकेट देने की कोशिश कीजिएगा, पर ये जनता जनार्दन है जो अपनी बात रख रही है। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रही हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। भगवान राम जिनको लेकर, उनके मंदिर को लेकर बहुत वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये, राम जी किसका बेड़ा पार लगाएंगे? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बहस हुई, जो बातें रखी गई, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत क्यों हो गई है तेज, और राम मंदिर के मुद्दे पर राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार? 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे ये है और ये सवाल कई लोग पूछ भी रहे हैं, गुजरात चुनाव में लगातार आप लोग गुजरात मॉडल की बात करते रहे, गुजरात का विकास मॉडल, जब सड़क है, बिजली है, पानी है और उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, जैसा कि आप दावा करते हैं, तो फिर इस तरह के मुद्दे क्यों आ रहे हैं गुजरात के सियासी समर में? नेहा जी, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले तो नेहा जी, आपने एक ट्वीट का जिक्र भी किया था ब्रेक से पहले और आपने प्रश्न का उत्तर भी मुझसे मांगा था। नेहा जी, आप देश की बहुत सम्मानित एंकर है, एक महिला एंकर है और आपको देश बहुत चाहता भी है। नेहा जी, दुख मुझे तब लगा जब आपने कहा कि गुजराती चुनावी समर में भगवान राम की अब एंट्री हो गई है, क्योंकि देखिए, मुझे इस बात से गुरेज है कि जो विषय हम अल्लाह के लिए या पैगंबर के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनका हम सम्मान करते हैं, अगर हम कहते कि पैगंबर की एंट्री हो गई है या अल्लाह की एंट्री चुनाव में हो गई है तो फतवा जारी हो जाता। वो विषय हम लोग हिंदू होते हुए राम के लिए करते हैं। प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपका भाई भोकला गए संबित, भोकला गए आप बिल्कुल। विषय पर संबित, आपने अपना आपा खो दिया है। बैठ जाइए। कहाँ का, कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, अरे एंकर भी हिंदू हैं, एक हिंदू एंकर ने आपसे सवाल किया है, क्या मैंने आपसे सवाल किया है? क्या राम मंदिर का सवाल आपसे किसी मुसलमान ने किया है? नहीं, क्या आपने, क्या एक मुसलमान ने आपसे किया है सवाल? ये राम का आप भुगला गए संबित, आपा खोइए मत, आपा मत खोइए, आपा मत खोइए, आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, मेरे राम के लिए कुछ मत कहना, आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, आराम से जवाब दीजिए, मेरे राम के लिए कुछ मत कहना। अगर आपके पास विकास पर कोई बात है, विकास पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए, आपको सब जानते हैं, आप किसके बेटे हैं आपको सब जानते हैं, राम के लिए कुछ मत कहना, आसाराम पर तो बात करनी पड़ेगी।
मौलाना गंदी जुबान से राम का नाम लेने की हिम्मत मत करना। एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। आसाराम पर बात मत कीजिए। संबित पात्रा जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सर। मैं तो भोला गई है गुजरात। मैं मौलाना को चुप करा दूं। गुजरात इनकी पैरों से निकल गया है। एक मिनट सर, मैं गुजरात मैं बात कर रही हूँ ना, आप एक मिनट शांत रहिए। संबित, हम राम को बेचते हैं, राम पे राजनीति करते हैं, मौलाना कौन समझा रहे हो? आप बेच रहे हो, आप मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक मिनट, आप बेच रहे हो राम को। मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है, मुझे राम पर डिबेट करनी पड़ती है, मुझे अफसोस होता है। संबित पात्रा, मुझे अफसोस होता है मौलाना साहब, ये बहुत गलत बात है। अफसोस दर्शकों को भी हो रहा है मौलाना साहब, मौलाना साहब दर्शकों को भी हो रहा है बहुत ज्यादा अफसोस कि हम यहाँ पर बैठकर भाषा के स्तर को कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसी वोकैबुलरी हमारे नेताओं की हो सकती है, हमें नहीं मालूम था। मैं एक बार बहुत खेद के साथ कहना चाहती हूँ कि अब तक जो भी बयानबाजी जिसमें जिन भाषा और जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे शब्द नहीं है और ये नेताओं के मौलानाओं के अपने अपने शब्द हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जनता का सोचिए और जनता के परिदृश्य से ही जरा बात कीजिए इस मुद्दे पर। संबित, अब हो गया, जो बात थी आपने कह दी, सुन ली गई, अब कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। संबित, सीधा सवाल मेरा ये, गुजरात की जनता आज हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे था सर, आप गुजरात में वक्त भी बिताकर आए हैं, इतना कुछ है विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए, फिर क्यों इस तरह की चीजें, बाबर भक्त, खिलजी, भगवान राम का मुद्दा, ये तमाम चीजें उठ करके विकास के मुद्दे को पीछे क्यों छोड़ रही है? क्या जवाब देंगे इसका संबित? नेहा जी, मैं गुजरात में वक्त बिता के नहीं, अभी भी मैं गुजरात में अहमदाबाद में ही मौजूद हूँ, वहीं से आपका डिबेट भी कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल आराम से आपका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक बात है, गुजरात का चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा चुनाव है और इसलिए विकास के मुद्दे पर ही हम बात कर रहे हैं। मगर ये आज मंदिर का विषय क्यों उठा? एक तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाके अचानक कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, उसके बाद कपिल सिब्बल राहुल गांधी जी की तरफ से, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड तो चुनाव नहीं लड़ता, उसको 2019 के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जब राहुल गांधी की तरफ से कपिल सिब्बल कहते हैं कि राम मंदिर का सुनवाई टाल देना चाहिए क्योंकि चुनाव पे असर पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से मैं राहुल गांधी से पूछूंगा ना कि वो मंदिर बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और आज मैं राहुल गांधी जी से आपके चैनल के माध्यम से चर्चा तो चलती रहेगी। मेरे पास देखिए वक्त कम है मौलाना साहब, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा सर। देखिए, यही बात मैं आप लोगों से कह रही थी अपने सम्मानित मेहमानों से कि अगर भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम मुद्दे पर ही रहते तो सबकी बात आ जाती। एक बार फिर से बहुत खेद जताते हुए जिस तरह की भाषा का इस डिबेट शो पर इस्तेमाल हुआ है, हम बात भगवान राम और उनके मंदिर की कर रहे थे और देखिए मामला कहां पर आ गया, इसके लिए हम खेद चाहते हैं। और लगातार देश बोले में भी अपने दर्शक हमें अपनी राय देते रहे हैं, सवाल यही कि राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे। एक और दर्शक क्या कह रहे हैं जल्दी से बता दें, हिरेन मणियार कह रहे हैं, आप गुजरात में तो मंदिर मंदिर घूम रहे हो, अगर सच में जनेऊधारी होते तो एक बार अयोध्या जरूर गए होते। तो ये एक और सवाल जो कांग्रेस पार्टी की ओर, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।